जिले में नकली दूध का कारोबार जोरों पर चल रहा है। लगातार मिल रही जानकारी के बाद पुलिस और खाद्य विभाग के अधिकारियों ने मानपुर में नकली दूध की फैक्ट्री पर छापा मारा। यहां से 5000 लीटर नकली दूध, 100 किलो घी और दूध में मिलाने वाला केमिकल जब्त किया गया। खाद्य अधिकारी रीना बंसल के मुताबिक सर्वेश नरवरिया और संतोष नरवरिया की डेयरी पर छापा मारा गया। यहां नकली दूध तैयार करने वाला केमिकल मिला। पुलिस के मुताबिक 5000 लीटर नकली दूध, 300 किलो क्रीम, 100 किलो मिलावटी घी, पाम ऑयल, 6 बोरी माल्टोस पाउडर, 10 लीटर एथेनॉल, 50 लीटर घुला हुआ केमिकल, 10 लीटर शैम्पू जब्त किया गया। कार्रवाई के दौरान पिकअप वाहन और टेम्पो भी मिला। ये लोग मिलावटी दूध तैयार करके भिंड व ग्वालियर में सप्लाई कर रहे थे। पहले दूध व्यापारी असली दूध से क्रीम निकालते थे, फिर उसमें शैम्पू जैसा केमिकल मिलाते थे। असली दूध से सिंथेटिक दूध तैयार करते थे। मामले में जांच के बाद डेयरी मालिक पर केस दर्ज करने की बात कही है। जी, हमारे श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय भिंड के द्वारा जो है लगातार मिलावटखोरों के विरुद्ध एक अभियान चलाकर कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया है। उसी तारतम्य में आज सूचना मिली थी कि मानपुरा में जो है अवैध रूप से जो है दूध तैयार किया जा रहा है केमिकल वगैरह से, और घी भी बनाया जा रहा है। तो उस सूचना पर आज हम लोग जो है हमारे CSP साहब भिंड, DSP हेडक्वार्टर साहब और मैं थाना प्रभारी देहात अपने बल के साथ खाद्य विभाग की टीम को लेकर वहां पहुंचे। तो मौके पर संतोष नरवरिया एवं सर्वेश नरवरिया के यहां काफ़ी मात्रा में जो है हमको नकली दूध और घी मिला, और जो नकली दूध और घी बनाने की सामग्री भी वहां मिली। हमको लगभग 5000 लीटर करीब दूध और 300 लीटर क्रीम एवं हमको 100 लीटर घी नकली मिला है, और जो सामग्री में हमको पॉम ऑयल के टीन मिले हैं, सेंजी शैम्पू मिला है, और इस तरीके से तमाम जो केमिकल हैं जो दूध बनाने में और घी बनाने में काम आते हैं वो हम लोगों को वहाँ से मिले हैं, जिनको भी हम लोग खाद्य विभाग के प्रतिवेदन पर कार्रवाई करेंगे, इनके खिलाफ जो है कठोर कार्रवाई करेंगे। और भी कहीं चल रही और आगे का टारगेट, आगे भी लगातार कार्रवाई चल रही है हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में। मिलावटखोरों के प्रति इसी तरीके से कार्रवाई करते रहेंगे। पूर्व में भी मानपुरा में कार्रवाई की गई थी, और लगातार दूसरी जगह जहाँ भी सूचना मिलेगी लगातार कार्रवाई करेंगे।